Hello guys, you are watching Bros Reactions. My name is Kazim. My name is Onrizi. And my name is Saklanandi. और reaction वो जो दिल से निकले. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का नाम है टॉप 10 फेमस एंड बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. ये वीडियो हमें सजेस्ट किया अलीजा खान ने फेसबुक पेज पे हमारे खास तौर पे. थैंक यू अलीजा खान. थैंक यू. और पहले चल के मैं कहता हूँ कि वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचा वीडियो देखने की बात कहूँगा, तो आइए पहले वीडियो देखते हैं. हाय, मेरा नाम अनिल खान है और आज हम इंडिया के 10 सक्सेसफुल एक्टर देखने वाले हैं. नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती. मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरंग चक्रवर्ती है, उन्हें मिथुन दा के नाम से भी जाना जाता है. मूवी में आने से पहले मिथुन दा नक्सलाइट थे, लेकिन उन्होंने किसी कारण वो छोड़ दिया और अपने फैमिली के पास लौट आए. मिथुन दा की शुरुआत 1976 में मुर्गिया इस मूवी में हुई, जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला. मिथुन दा को 3 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है. अमिताभ के बाद अगर कोई एक्टर थे वो मिथुन चक्रवर्ती थे. उन्होंने अपनी पहचान डांसिंग हीरो से बनाई. उन्होंने बंगाली, ओरिया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी मूवी में काम किया है. नंबर 9, अक्षय कुमार. अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है. उनके पिताजी मिलिट्री ऑफिसर थे. अक्षय कुमार हालांकि एक डांसर है, उन्होंने काफी सारे मूवीज में बैकग्राउंड डांसर का काम किया. उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बैंकॉक में ली और उसके बाद उन्होंने शेप और वेटर का भी काम किया. उनकी पहली फिल्म सौगंध थी, जो 1991 में रिलीज हुई. वो काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनी भी थे. उन्होंने खिलाड़ी की हर सीरीज में काम किया है. उन्हें 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से पद्मश्री अवार्ड्स के लिए नवाजा गया. नंबर 8, देव आनंद. देव आनंद का असली नाम धर्म देव आनंद है, पर उन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है. उनके पिताजी एडवोकेट थे. उन्होंने बीए डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में की. उसके बाद उन्होंने अपना होम टाउन छोड़ मुंबई आए. देवानंद को पहला ब्रेक अशोक कुमार ने 1948 में जिद्दी मूवी के लिए दिया. उन्हें काफी सारे अवार्ड मिले. 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा. उन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया. 1960 में उनकी इमेज रोमांटिक हीरो जैसी हो चुकी थी. देवानंद ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने बहुत सारी मूवीज की स्टोरी लिखी और डायरेक्ट भी की है. नंबर 7, अनिल कपूर. अनिल कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी सक्सेसफुल एक्टर रह चुके हैं. अनिल कपूर ने अपनी फिल्म की शुरुआत 1971 में जब वो 12 साल के थे तब की. उसमें उन्होंने शशि कपूर के जवानी का रोल अदा किया. उनकी एज एन एक्टर पहली मूवी 1979 में हमारे तुम्हारे में थी. उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ मूवी में भी काम किया है. अनिल कपूर ने काफी मूवीज में काम किया. उन्हें 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और काफी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले. उनकी कुछ यादगार मूवीज मशाल, तेजाब, बेटा, मेरी जंग, कर्मा, मिस्टर इंडिया और विरासत है. नंबर 6, सलमान खान. सलमान खान का नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है. सलमान खान स्क्रीन राइटर सलीम खान के बड़े बेटे हैं. सलमान की पढ़ाई ग्वालियर और मुंबई में हुई. सलमान खान की सबसे पहली मूवी बीवी हो तो ऐसी 1988 में रिलीज हुई, लेकिन उनको जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेस मैंने प्यार किया इस मूवी के बाद मिली. सलमान खान को द टाइगर ऑफ बॉलीवुड, ब्लॉकबस्टर खान और बॉक्स ऑफिस किंग के नाम से भी जाना जाता है. सलमान खान को नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. सलमान खान ने मैंने प्यार किया, करण अर्जुन, हम आपके कौन, कुछ कुछ होता है, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसे मूवी में काम किया. नंबर 5, आमिर खान. आमिर खान का नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है. आमिर खान फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है. आमिर खान को बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का माहौल मिला. उन्होंने बचपन में 2 मूवीज में काम किया. उनकी यादों की बारात मूवीज अभी भी लोग याद करते हैं. एज एन हीरो उनकी पहली मूवी होली है, लेकिन कयामत से कयामत के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे. उन्हें काफी नेशनल अवार्ड मिले. 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला. उन्होंने कयामत से कयामत तक राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स और दंगल जैसे मूवी में काम किया है. लोग उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जानते हैं. नंबर 4, शाहरुख खान. शाहरुख खान को SRK के नाम से भी जाना जाता है. शाहरुख खान को बादशाह ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ बॉलीवुड और किंग खान के नाम से भी मीडिया में बुलाया जाता है. शाहरुख खान ने सबसे पहले दिल दरिया इस TV सीरियल में काम किया.
लेकिन किसी डिले की वजह से फौजी उनकी सबसे पहली टीवी सीरियल बनी। उसके बाद उन्होंने कई सीरियल में काम किया जैसे सर्कस, इडियट, वागले की दुनिया। उनकी सबसे पहली मूवी का नाम दिल आशना था, लेकिन दीवाना उनकी सबसे पहली फिल्म बनी। उन्होंने कई सारे हिट फिल्में भी दी है जैसे दीवाना, डर, बाजीगर, अंजाम, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, चक दे इंडिया, चेन्नई एक्सप्रेस और कई सारे। उन्हें बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। नंबर 3, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना है। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 तक 15 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म्स दी है। राजेश खन्ना का जन्म पंजाब में हुआ और उनकी पढ़ाई पुणे और मुंबई में हुई। उनकी सबसे पहली फिल्म आखिरी खत जो 1966 में रिलीज हुई थी। उन्होंने काफी सारे हिट मूवीज दी है जैसे बहारों के सपने, औरत, आराधना, इत्तेफाक, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, अमर प्रेम, अपना देश, मेरे जीवन साथी, नमक हराम, कटी पतंग और अलग अलग। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया और उन्हें 2013 में द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा ये अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड एकेडमी में दिया गया। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में अमिताभ अपने रोल की वजह से एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी से पहचाना जाता है। उनका जन्म अलाहाबाद में हुआ। उन्होंने 1971 में भुवन शोम इस मूवी में वॉइस नरेटर का काम किया, लेकिन उनकी सबसे पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी थी। उसके बाद उन्होंने आनंद इस मूवी में काम किया जिसमें उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। उन्हें जंजीर इस मूवी में लीडिंग रोल मिला और उन्हें पहचान इस मूवी से ही मिली। अमिताभ बच्चन ने काफी सारी हिट मूवीज में काम किया जैसे जंजीर, अभिमान, नमक हराम, कभी कभी, अदालत, परवरिश, खून पसीना, कसमे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरला, काला पत्थर, शान, शक्ति, नसीब, लावारिस, कूली, शहंशाह, हम, अग्निपथ, खुदा गवाह और कई सारे। उन्हें कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। 1984 में उन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में उन्हें पद्म विभूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया। नंबर 1, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिताजी के तकरार के बाद वो पुणे शिफ्ट हुए, उसके बाद वो मुंबई में चले गए। दिलीप कुमार की सबसे पहले फिल्म जोर भाटा जो 1944 में रिलीज हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा नहीं। पर 1947 में जुगनू मूवी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वो जबरदस्त हिट हो गई। उन्होंने काफी सारी हिट मूवीज में काम किया है जैसे अंदाज, आन, देवदास, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, शक्ति, कर्मा और सौदागर। उन्हें कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। पाकिस्तान गवर्नमेंट से 1997 में निशाने इम्तियाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से नवाजा। अगर आपको किसी और भी एक्टर का नाम ऐड करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो इन्होंने बोला है कमेंट में आप बता दीजिए, तो ये तो आप लोग बताएंगे कि कौन इसमें रह गया है, किसको आना चाहिए। लेकिन ये कि आज हमें भी हमारे भी नॉलेज में एक चीज़ पता चली कि भाई सबसे ऊपर जो है दिलीप कुमार जी आते हैं, तो सेकंड पे अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं। हालांकि मैं यही समझ रहा कि नंबर 1 पे अमिताभ बच्चन ही होंगे। बाकी 3 खान्स का ये तो मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं टॉप 5 में होंगे, तो वही हुआ कि वो तीनों टॉप 5 में निकले। इसमें और भी चीजें हम लोगों को पता चली, नए नए नाम पता चले, सलमान खान का नया नाम पता चला, अक्षय कुमार का नया नाम पता चला। अब ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर तो ये बात सही है इनकी तो सही होगी वैसे बाकी मैं समझ रहा था कि टॉप 10 फेमस एक्टर्स हैं, तो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीक, इरफान खान, ये सारे मतलब जो नसीरुद्दीन शाह, ये सारे भी होंगे, लेकिन ये सारे लेजेंड्स थे जो पुराने थे, उनकी बात की हुई है। हाँ, ये लेकिन लेजेंड्स से ज़्यादा अगर देखा जाए तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान तो उसमें ये भी काफ़ी पुराने हैं देखा जाए तो। बाकी अक्षय कुमार भी हो गए। अक्षय कुमार इसमें कोई अवार्ड्स की बात करी गवर्नमेंट से दिए जा रहे थे, तो वो पद्मश्री, पद्मश्री हमें आप बताएंगे गवर्नमेंट सेक्शन में कौन से अवार्ड हैं और उनमें मतलब क्या कैसे अवार्ड, मतलब उसमें क्या अचीवमेंट है। मतलब मुझे तो दोनों अवार्ड क्या हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मतलब क्या है, मतलब वो किस बेस पे दिए जाते हैं।
वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएगा। हाँ, वहाँ पे आके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कोई अच्छी अच्छी वीडियोस प्लीज सजेस्ट करें जिस पे हमें ज़रा मज़ा आए रिएक्शन करने में ना, तो ये हो के कुछ नॉलेज में भी इजाफा हो, जैसे आज पता चला भाई ये है, तो नंबर वन जो है वो दिलीप कुमार निकले। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं पहले कह रहा था ना वीडियो से पहले एक बात बतानी, वो बात ये बतानी है कि हमारा एक चैनल है साया, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी। रात का कोई 2 से 2:30 का वक्त होगा कि उनके कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। बड़ा सा खंजर लेके मेरे पीछे भागने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा। तो ये जो चैनल है इसको जाके आपने देखना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है, और हमें मतलब रेट करें कि बताएं भाई कैसा लगा आपको। और ये कि अभी इसको हम अपडेट तब करेंगे इस पर वीडियोस, और अपना नया जो स्टोरीज़ अब डालने शुरू होंगे वो उस वक्त शुरू होंगे जब हमारे एटलीस्ट अच्छे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप लोग चाहेंगे। बेसिकली एक हॉरर शो है और इसमें हिंदी और उर्दू मिक्स करके हम लोग स्टोरीज, हॉरर जो रियलिटी बेस्ड स्टोरीज होती हैं वो उसमें बताते हैं, सुनाते हैं, तो आप लोगों को पसंद आएगी। और सबकी आपको एक बात बताने वाला है कि पहले क्या करना है, पहले आप लोगों ने वीडियो देखनी है, फिर तो उसके बाद आपको पसंद आए तो आपने लाइक करनी है, लाइक करने के बाद आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। सो यू गाइस वर वॉचिंग रोज रिएक्शंस, माय नेम इज कासिम, हिज नेम इज ऑनेस्टली एंड हिज नेम इज सकलाइन अली। गुड Bye!